हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे। मैं दीनदयाल आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप अपने ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 44 सीखने चल रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले आप ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 43 तक सॉल्व कर चुके हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे बोल रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, 1 cot θ - cosec θ * 1 tan θ + sec θ = 2 लेकर के आना है। तो बाकी सारे क्वेश्चन की तरह हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और धीरे धीरे हम लोग प्रोसेस को करते हैं और हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, क्या लेने वाले हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड अपना हम ले लेते हैं। यहां पे आपको मिलेगा स्टूडेंट्स 1 cot θ माइनस में आपको मिलेगा cosec θ * में 1 tan θ और प्लस में sec θ। देखिए अभी हमारे पास क्या है, हम कर क्या सकते हैं, केवल और केवल हमारे पास एक ही तरीका है। जितने भी यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिए गए हैं उन सबको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ लिखिएगा 1 cos θ / sin θ। माय स्टूडेंट्स, 1 / कितना, sin θ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी आप लिखेंगे 1 sin θ / cos θ और प्लस में स्टूडेंट्स कितना मिलेगा, 1 cos θ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी पूरी तरीके से आप लोगों को। अब क्या करेंगे, आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आप देख रहेंगे कि इसका एलसीएम साइन थीटा आएगा और यहाँ 1 है, 1 जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे साइन थीटा और प्लस में स्टूडेंट्स कितना बचेगा, कॉस थीटा और माइनस में 1। इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर आपको फिर से जब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा कॉस थीटा और यहाँ आपको मिलेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस में 1। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको देखिए थोड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं, इसको एक्स माने इसको वाई माने, देखिए ये इसको एक्स और इसको वाई माने, अगर हम देखिए एक्स प्लस एक्स माइनस वाई और यहाँ एक्स प्लस वाई, या आप कह सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है। तो क्यों ना हम इसको बना लें स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर अर्थात 1 बचेगा, ठीक है। और नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको मिलेगा साइन थीटा * में कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा करके इसको एक्सपेंड करिए और देखिए क्या मिलेगा आपको। एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिलेगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना, प्लस 2 sin θ * में कॉस थीटा माइनस 1 और होल का पांच स्टूडेंट्स आपके पास वही था साइन थीटा * कॉस थीटा। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो लिख दीजिए इसको वहाँ पर 1 प्लस बचेगा स्टूडेंट्स 2 sin θ * में कॉस थीटा माइनस में 1 होल का पांच स्टूडेंट्स आपके पास बचा साइन थीटा * का। अब देखिए 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1 से 1 कैंसिल होने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास बचा हुआ है दिस इज इक्वल टू 2 sin θ * में कॉस थीटा होल का अपान साइन थीटा * कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा * कॉस थीटा पूरा कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल होने के बाद आपके पास मिला 2 जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। यही आपको प्रूफ करना था, यहाँ पे हम लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मस्त रहें, पढ़ते रहें, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।